इंडिया ने ये मैच 4 रन से जीत लिया है। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने इडन गार्डन्स में डिफेंड किया है अपना स्कोर 4 रन से, हैदराबाद को, सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया है। बेहद रोमांचक मुकाबला जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 208 रन बनाए थे, वहां पर सनराइजर्स हैदराबाद का जो रथ था, सनराइजर्स हैदराबाद की जो गाड़ी थी उसको 204 रन पर रोक ली है। और इसी के साथ 4 रन से कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये मैच जीत लिया है। भाई बहुत ही शानदार यार, मतलब क्या खेले हैं यार कोलकाता नाइट राइडर्स वाले। हैदराबाद को जो इन्होंने मसल के रख दिया है उसमें रसल का बहुत बड़ा हाथ था। बहुत बढ़िया इनिंग जो है वो रसल ने खेली थी, वो भी तब जाकर जब जो केकेआर थी वो भाई एक समय पे 119 रन पे 6 विकेट। लेकिन तारीफ करनी होगी हर्षद राणा की, हर्षद राणा जो आखिरी ओवर फेंक रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर डिफेंड किया है आखिरी ओवर में। जब 13 रन चाहिए थे, हर्षद राणा पहली बॉल पर छक्का लगा, लेकिन उसके बाद हर्षद राणा ने दूसरी बॉल पर क्लासन को सिर्फ 1 रन बनाने को दिया, तीसरी बॉल पर शाहबाज अहमद को आउट किया, चौथी बॉल पर मार्को येंसन को सिर्फ 1 रन बनाने को दिया, पांचवी बॉल पर क्लासन को आउट किया और छठी बॉल पर पैट कमिंस को बीट करके ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स की झोली में डाल दिया। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहला मैच जीत कर विजयी अभियान अपना शुरू कर दिया है। 2 पॉइंट्स कोलकाता नाइट राइडर्स के अपने पहले मैच से हो गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद को 4 रनों से कोलकाता नाइट राइडर्स ने हरा दिया है। एसआरएच का आखिरी स्कोर 20 ओवर में 204 और यहां पर जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने शुरुआत करी थी, मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा दोनों ने 32-32 रन बनाए थे, राहुल त्रिपाठी ने 20 रन बनाए, एडन माक्रम ने 18 रन बनाए, लेकिन उसके बाद हेनरिक क्लासन ने जबरदस्त 63 रन की पारी खेली। अब्दुल समाद से 15 रन बनाकर आउट हुए, मार्को येंसन 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे, शहबाज अहमद ने 16 रन बनाए 5 बॉलों पर, लेकिन ये सारा का सारा जो एफर्ट था ये काम नहीं आया क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये मैच जीत लिया है। भाई ताली हो जाए पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए।